टाटा प्रोजेक्ट्स। नमस्कार 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 सर जी, मैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का सुरक्षा अधिकारी हूँ। आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी, वातावरण और अपनी सुरक्षा के बारे में सीखना है। आप ये कहेंगे कि हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में जानता है, पर अब मैं आपको निर्माण स्थल पर विभिन्न खतरों और उनसे बचाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब आप मुझे अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रोशन यादव है। आपका घर कहाँ है? हैदराबाद। आपके घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, दादी, बहन और मेरी पत्नी। दोस्तों, आप लोगों का परिवार भी रोशन यादव जी के परिवार की तरह होगा। दोस्तों, आप जानते हैं आपको काम का अवसर क्यों मिलता है? आप बताएं। काम अच्छा करने से। ठीक है, अब आप बताएं। काम जानते हैं इसलिए। और आप? शरीर स्वस्थ हो तभी काम मिलता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे हाथ पैर सलामत हैं और प्रकृति ने हमें अपंग नहीं बनाया। अगर हम में कोई शारीरिक विकार होते तो हमारे रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ध्यान रखें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो कमाई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि काम की क्यों आवश्यकता है? साहब, काम की वजह से हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि क्यों हमारी सलामती जरूरी है। क्योंकि हमारी सलामती ही हमारे परिवार की सलामती है। मैं इस तरह के प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब परिवार है तो उसकी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, माँ का इलाज, घर बनाना, लोन चुकाना और भी कई दूसरी बुनियादी जरूरतें। कई लोगों की जिम्मेदारी हम पर होती हैं और एक दुर्घटना पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। दोस्तों, याद रखें, किसी कामगार के साथ घटित दुर्घटना जितना कष्ट उस कामगार को देती है, उससे कहीं ज्यादा दुखदायी उसके परिवार वालों के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सोचिए कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो तो क्या हो सकता है? साहब, जान जा सकती है। साहब, हाथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चोट जानलेवा नहीं है और कुछ समय में ठीक हो सकती है, तो क्या उस स्थिति में थोड़े खतरे लेकर काम करना उचित है क्या? नहीं साहब, जब तक चोट ठीक नहीं होती हम काम पर थोड़े आ सकते हैं। हाँ, और इलाज पर पैसा खर्च अलग, और फिर आमदनी भी बंद, और कहीं कोई हाथ पैर बेकार हो गया तो बाद में काम नहीं मिलेगा। सही कहा दोस्तों। तो सोचो, एक जरा सी लापरवाही से हुई दुर्घटना कितनी मुश्किलें लेकर आती है। प्यारे मित्रों, अब जब जान गए हैं कि दुर्घटना से क्या हानियां हैं, तो चलो ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्यों है। साहब, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की नहीं, हमारी खुद की गलती से होती है दुर्घटना। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सही कहा साहब, अगर हम ही कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे तो चोट तो लगनी ही है। दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, बचाव की जानकारी का अभाव, और दूसरा है अति आत्मविश्वास। साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं तो शायद कुछ ज्यादा समझ में आए। तो सुनो, सबसे खतरनाक है अति आत्मविश्वास। खतरों की सारी जानकारी होते हुए भी ये सोचना कि कुछ नहीं होगा और खतरे उठाकर काम करने से ही सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। और इसलिए अब मैं आपको कार्य से संबंधित खतरे और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए उन बचाव के तरीकों के बारे में जिनका कार्यस्थल पर हमेशा पालन होना चाहिए। सुरक्षा प्रेरण कार्यक्रम। सुरक्षा के सामान्य नियम यानी जनरल साइट सेफ्टी रूल्स। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को साइट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को कार्य क्षेत्र में हर समय सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा जूते पहनना जरूरी है। अवैधानिक दवा या शराब पीना या इसके असर में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा।
ऐसा करने वालों को देखने पर अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। ऐसी कोई भी अवैधानिक दवा या शराब का सेवन कर रहे हैं जिसमें गाड़ी चलाना हो या मशीन चलाना आता हो तो अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दीजिए। हर समय अपने काम पर ध्यान रखें। काम करते वक्त मजाक मस्ती न करें। अच्छा काम वो है जो साफ सुथरा हो, और साफ सुथरा काम सुरक्षित काम की शुरुआत है। इसलिए अपने काम के क्षेत्र में कचरे और मलबे को मत रखिए। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, या आप मिर्गी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज हैं, या आप भयभीत और बीमार रहते हैं, तो कभी भी ऊंचाई पर कार्य न करें। यदि आप बीमार हों तो काम पर न आएं और अपने सुपरवाइजर को उसकी रिपोर्ट करें। रोड पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलें और पार करते समय दोनों तरफ देख लें। बेकार चीजों को कूड़ेदान में ही डालें। कार्यस्थल पर पेशाब करना, धूम्रपान करना, दौड़ना या किसी भी वाहन के नीचे सोना सख्त मना है। काम करते वक्त मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। किसी भी चीज को कभी ऊंचाई से न फेंके। नीचे से गुजर रहे व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है। याद रहे, बिना प्रशिक्षण लिए आदमी को साइट पर काम करने की अनुमति नहीं है। अपने कपड़े, बाल और हाथ की सफाई करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग न करें। भार सही तरीके से उठाएं, पैरों के बल पर न कि पीठ के बल पर। अगर सामान ज्यादा भारी हो तो मदद लें। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अंगों को फैलाने वाली कसरत करें। लगभग 20% दुर्घटनाएं निर्माण क्षेत्र में सामान उठाने के दौरान होती हैं। बैरिकेड क्षेत्र और जहां ऊंचाई पर काम चल रहा हो वहां प्रवेश ना करें। यदि आप पावर शॉवल्स, ट्रक्स और डोजर्स के आसपास काम कर रहे हों, तो सुनिश्चित कर ले कि ऑपरेटर आपको देख सके। क्रेन से काम करने के लिए बैरिकेशन करना आवश्यक है। जब मशीन चल रही हो या गति में हो तब उसमें तेल, लुब्रिकेंट या ईंधन ना डालें। ऐसी कोई भी घटना जो दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी, उस घटना को नियर मिस कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई घटना देखें तो उसकी जानकारी तुरंत ही अपने EHS विभाग को दें। किसी भी फर्श और जमीन पे कोई भी खुली जगह को चेतावनी बोर्ड लगाकर कवर और बैरिकेशन करना चाहिए। मैनहोल, कुआं, सॉफ्ट टनल या कोई तंग जगह जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण या ज्वलनशील गैस, जहरीली गैस रहने के कारण सांस लेने के लिए अयोग्य वातावरण हो, वहां प्रवेश ना करें। दो चक्की वाहन पर सुरक्षा हेलमेट पहने। चार चक्का वाहन या परिवहन वाहन को चलाते समय सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। यहाँ पर गाड़ी चलाने की गति मर्यादा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताएं, ऐसी कोई भी चार चीजें जिनको कार्यस्थल पर नहीं करना चाहिए? सर, दौड़ना, धूम्रपान करना, वहाँ पेशाब करना और किसी वाहन के नीचे सोना मना है सर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। शुरू करते हैं अपने अंगों की सुरक्षा से। अपने अंगों की सुरक्षा के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वो विशेष पोशाक या कुछ उपकरण होते हैं जो उस व्यक्ति को चोट से बचाने में मदद करते हैं। ये व्यक्ति के शरीर जैसे कि नाक, कान, आंख, सिर, चेहरा, हाथ, पैर और कुछ आंतरिक अंग, क्योंकि ये मुख्यतः श्रमिक के संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए होते हैं। तो बताइए, सबसे पहले शरीर के किस अंग की सुरक्षा के बारे में बात करें? सर, आदमी का सर ही सबसे पहले आता है, तो क्यों ना उसके बारे में बताएं? हाँ बिल्कुल, सिर की सुरक्षा। सिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा हेलमेट का उपयोग किसी भी गिरती हुई चीज से सिर को बचाने के लिए अति आवश्यक है। ध्यान रखिए कि हेलमेट की पट्टी हमेशा बंधी होनी चाहिए। आंखों की सुरक्षा। आंखें हमारे शरीर का बहुत अनमोल अंश है, इसलिए चोटों से हमारी आंखों की रक्षा करना जरूरी है। आंखों की चोटों के सामान्य कारण उड़ती चीजें,
उपकरण, कण, रसायन, हानिकारक विकिरण, कोई भी संयोजन या अन्य खतरे। काम करते समय आपको अपनी आंखों को बचाना चाहिए। जहां पर भी आंखों से जुड़े खतरे हों, वहां आपको आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। सर, जहां आंखों से जुड़े खतरे मौजूद हों, वहां कोई भी काम कर रहा हो या वहां से गुजर रहा हो, क्या उनको भी आंखों के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जहां कहीं भी आपकी आंख में चोट का खतरा हो, वहां आंखों के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। आंखों से जुड़े सुरक्षा उपकरण, नॉन प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षा चश्मे, चश्मे, चेहरे का कवच, वेल्डिंग हेलमेट, पूरे मुंह का रेस्पिरेटर। पैरों की सुरक्षा, सुरक्षा जूतों का प्रयोग व्यावसायिक खतरों में पैरों से जुड़े खतरों को कम करता है। सुरक्षा जूते हमारे पैरों को इन खतरों से बचाते हैं। पैकेज या चीजों का गिरना, ढीली और अव्यवस्थित सतह, बिजली की सप्लाई, उपकरण आदि, घूमती वस्तुएं, लंबे पाइप आदि, पैर के स्तर पर नुकीली सामग्री, भारी सामान की ठोकर लगने से, जो मुख्य रूप से निर्माण स्थानों पर मौजूद होते हैं, उसके अलावा सीमेंट या रेत के संपर्क में आने पर बचाते हैं। श्रवण सुरक्षा, कई निर्माण स्थान पर आवाज के खतरे होते हैं। ज्यादा मात्रा में आवाज हमारी सुनने की क्षमता को आगे जाके नुकसान कर सकती है। न सुनाई देने की वजह से काम पर खतरे और भी बढ़ जाते हैं। अगर आवाज कम ना हो या कंट्रोल में ना हो, जब आवाज 85 डेसिबल से ज्यादा हो, तब सही फिट होने वाले श्रवण सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। दो प्रकार के श्रवण सुरक्षा उपकरण होते हैं, ईयर प्लग, ईयर मफ। हाथ की सुरक्षा, जहां जहरीले करोसिव पदार्थ के स्पर्श में आने का, छिलने का, खरोचने का, गर्म स्थान छूने का, बिजली के झटके का खतरा हो, वहां सही प्रकार के दस्ताने पहनना आवश्यक है। हाथ के दस्ताने आपको इनसे सुरक्षा देते हैं, जैसे कि रसायन, घर्षण, गर्मी, कटना, छिद, हाई वोल्टेज इंसुलेटिंग। हाथों से जुड़े सुरक्षा उपकरण, किसी भी रसायन के साथ काम करते समय रसायन प्रतिरोधक दस्ताने अवश्य पहने। सामान को उठाते समय हमें कॉटन के दस्ताने पहनना आवश्यक है। श्वसन सुरक्षा, साइट पर मौजूद धूल मिट्टी यानी कि सीमेंट, लकड़ी, रेत, धुआं आदि की वजह से हमारी सांस की नली को नुकसान हो सकता है। सही फिट होने वाले श्वसन संबंधी सुरक्षा उपकरण, नोज मास्क का प्रयोग करें। श्वसन उपकरण के प्रकार, पेपर और कपड़े के डिस्पोजेबल नोज मास्क। ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण, निर्माण स्थान पर ज्यादातर दुर्घटना ऊंचाई से गिरने पर होती है। गिरने से बचने के लिए फुल बॉडी हार्नेस को 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस को 100% बांधना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस में 2 लैनियार्ड्स होते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए दोनों लैनियार्ड जरूरी है, उसको निकालना वर्जित है। काम की जगह पर जाने से पहले हार्नेस को जमीन पर ही पहन लेना आवश्यक है। किसी भी हालत में बिना फुल बॉडी हार्नेस पहने ऊंचाई पर जाना वर्जित है। हार्नेस पहनते समय कुछ संदेह लगे तो सुपरवाइजर की मदद लें। फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने का स्थान, फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को ऐसे स्थान पर न बांधे जो कमर की ऊंचाई से कम हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने के लिए मजबूत जगह का चुनाव करें। हो सके तो रस्सी के क्लैंप को लूप करके बांधें। एक ही धरातल पर काम करने के लिए लैनयार्ड को स्थिर सपोर्ट पर लगी रस्सी पर हुक करना होता है। ये रस्सी 8 mm वायर रोप और 24 mm पीपी रोप होता है। इस रस्सी का उपयोग सिर्फ हुक करने के लिए होता है, न कि सामान आदि को खींचने के लिए। फॉल अरेस्टर्स, फॉल अरेस्टर्स ऐसे उपकरण हैं जिसमें आदमी के गिरने की स्थिति में हार्नेस से बंधे लैनयार्ड में तनाव आने पर वर्टिकल रोप पर लॉकिंग हो जाती है और आदमी गिरने से बच जाता है। कपड़े, कपड़े हमारे शरीर के कई अंगों को इनसे सुरक्षा देते हैं, जैसे गर्मी, ठंडी, विकिरण, हानिकारक छींटे आदि।
हमेशा सही फिट होने वाले कपड़े पहने, निजी सफाई का ख्याल रखें और गंदे कपड़े जैसे कि तेल और ग्रीस लगे कपड़े न पहने, इन्हें न पहने। खराब या फटे दस्ताने, ढीले कपड़े, अंगूठी, घड़ी या कोई और आभूषण, क्योंकि इनका चलती मशीन में फंस जाने का खतरा होता है। इसी कारण खुले लंबे बाल भी न रखें। तो मित्रों, अब जब आप सब लोगों ने सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी ले ली है, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखकर बताएं कि इसमें क्या गलत है। हाँ, तुम बताओ। सर, इस आदमी ने हेलमेट तो पहना हुआ है, मगर इसने हेलमेट की चिन स्ट्रिप नहीं लगा रखी है। बिल्कुल सही। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी सही है। हाँ, तुम बताओ। सर, इसने अपनी हार्नेस के लैनियर्ड को जहाँ बांधा है, वो स्थान उसकी कमर से नीचे है, उसको कमर से ऊपर होना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खुदाई सुरक्षा यानी एक्सकवेशन सेफ्टी। मित्रों, खुदाई का काम एक जटिल प्रक्रिया है और इसको सावधानी से करना चाहिए। खुदाई की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला, खुदाई शुरू करने से पहले की सुरक्षा तैयारी। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जैसे कि बिजली के केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, गंदे पानी की पाइपलाइन, अन्य संचार के केबल्स। खुदाई से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन के अंदर क्या है, और अगर है तो उन्हें खुदाई से पहले सही तरह से अलग अलग कर देना चाहिए। खुदाई शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइजर से खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट लें। ऐसा करने से पता चलेगा कि जमीन के नीचे क्या यूटिलिटीज हैं। सुपरवाइजर को ये परमिट उस कार्य क्षेत्र के प्रभारी से लेना आवश्यक होगा। इसके बाद ही खुदाई का काम शुरू करने की अनुमति होगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी चाहिए, जिसे की स्थिति अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएगी। ए, मार्कर्स और ड्राइंग्स को इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान। बी, अत्याधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। सी, यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल पिट्स बनाना। डी, सेवाओं को अलग करना। खुदाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि इन मुद्दों का प्रबंध हो, जैसे कि जमीन के नीचे की और ऊंचाई की उपयोगिताएं और उनके स्थान, स्लोपिंग और शोरिंग की आवश्यकताएं, तंग स्थान की जरूरतें, मशीन स्थापन, आवागमन की सुविधाएं, निरीक्षण के मापदंड, रद्दी स्थापन, बिजली के तार जमीन के अंदर और ऊपर और अन्य खतरे। अगर चट्टान या पथरीली जमीन में विस्फोट करने की जरूरत हो, तो सिर्फ सही लाइसेंसधारी ब्लास्टर की देखरेख में ही ये काम होना चाहिए। काम से जुड़े सभी लोगों को उपयुक्त बातों की पूरी जानकारी ट्रेनिंग देकर दें, ये उन्हें जानना जरूरी है। दूसरा, खुदाई करते वक्त सुरक्षा के नियम। खुदाई के सभी खुले किनारों से कम 1 मीटर की दूरी पर घेरा या बैरिकेशन लगाएं और प्रत्येक दिन जांच लें कि वे सही ढंग से लगे हुए हैं। आने जाने के लिए सीढ़ी लगाएं। ध्यान रखें कि लकड़ी या बैम्बू की सीढ़ी का इस्तेमाल वर्जित है। निकाली गई मिट्टी और मलबे को किनारे से कम 1.5 मीटर दूर रखना चाहिए, और अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो तो गड्ढे की गहराई जितनी दूरी पर मलबे को रखें। कड़े पत्थर के अलावा मिट्टी के ढेर को सही कोण में रखें। हर तरह की मिट्टी के लिए सही तिरछापन, सीढ़ी नुमा कटाई, शोरिंग का इंतजाम करें। खुदाई के किनारों के पास गाड़ी न चलाएं, क्योंकि इससे मिट्टी धंसने का और किनारों की मिट्टी में दरार पैदा होने का खतरा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि मिट्टी को सरकने से रोकने के लिए खूंटे गाड़े जाएं। तेज वर्षा और बाढ़ आने के बाद खुदाई के स्थान पर बिना निरीक्षण और अनुमति के बगैर गड्ढे में प्रवेश न करें। खुदाई के दौरान पावर लाइन के स्पर्श से बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। ब्लास्टिंग के दौरान असर में आने वाले क्षेत्र की घेराबंदी करके सुरक्षा संकेत के बोर्ड लगाएं। वर्क परमिट में लिखे होने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले, तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें और काम बंद कर दें।
चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए और बताइए इस तस्वीर में क्या क्या गलत दिखता है। सर, खुदाई से निकाली हुई मिट्टी किनारे के बहुत करीब रखी है और खुदाई के खुले किनारों की तरफ टेप भी नहीं लगा है। बहुत अच्छे, और ध्यान से देखिए, खुदाई में अंदर या बाहर जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाड़ा और सीढ़ी यानी स्केफोल्डिंग एंड लैडर। भाड़ा। दोस्तों, हम यहाँ भाड़े के काम पर सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निर्माण स्थल पर भाड़े की बहुत जरूरत होती है। याद रखें कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी से भाड़े के काम में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अब हम भाड़े संबंधी सावधानियों की शुरुआत करते हैं। भाड़े के फ्रेम्स की जगह को मार्क करें। मार्क किए हुए स्थान पर लकड़ी के तख्ते या कंक्रीट के स्लैब रखें। ध्यान रहे कि जमीन समतल होनी चाहिए। भाड़े की सामग्री की जांच करें और फिट होने पर ही इस्तेमाल करें। भाड़े की डिजाइन इस तरह की होनी चाहिए कि वो व्यक्तियों और सामानों का 4 गुना भार ले सके। ये निश्चित करें कि सारे भाड़े हर समय बिल्कुल लेवल पर होने चाहिए। हर एक 3 मीटर की ऊंचाई पर भाड़े को किसी मजबूत ढांचे से सपोर्ट दें। काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर गार्ड लगेंगे, जिसमें ऊपर और नीचे के रेल और टो बोर्ड शामिल हैं। ऊंचाई प्लेटफॉर्म की सतह से टो बोर्ड 100 मिलीमीटर, बीच का रेल 600 मिलीमीटर, ऊपर का रेल 1000 मिलीमीटर। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सहज और सुरक्षित साधन होना चाहिए, जैसे पोर्टेबल सीढ़ी, रैंप या रनवे। भाड़ा कम से कम 2 प्लैंक चौड़ा होना चाहिए, अन्यथा वहां काम करना मुश्किल होगा। भाड़े के प्लैंक 6 इंच से कम और 12 इंच से ज्यादा लटके नहीं होने चाहिए। वो दोनों किनारों पर अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। भाड़े के पाइप आवश्यकता से अधिक बड़े ना हो, नहीं तो वो आने जाने में बाधा करेंगे और दुर्घटना के कारण बनेंगे। सभी जोड़ पर सही कपलर का उपयोग करना चाहिए। भाड़े पर टैग लगाएं, लाल मतलब व्यवहार के लिए नहीं और हरा मतलब व्यवहार के लिए। भाड़े के किसी भी सामान को निचली सतह पर, जमीन पर, सुरक्षा जाल पर या तिरछी छत पर ना फेंके। भाड़े पर काम करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन पहनना आवश्यक है। उसकी दोनों रस्सियां टंगी रहेंगी। जब आप भाड़े पर काम कर रहे हो, तब उचित फॉल अरेस्टर उपकरण जैसे कि सेफ्टी हार्नेस, जाल, टो बोर्ड, रेल आदि का इस्तेमाल अवश्य करें। केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्ति ही इस पर काम कर सकते हैं। भाड़े के खोलने की पद्धति ऊपर से नीचे की दिशा में होगी। दोस्तों, ये तो वो बातें थीं जिनका हमें हर समय ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको भाड़े के काम के समय कभी नहीं करना चाहिए। भाड़े के ऊपर अधिक ऊंचाई पाने के लिए सीढ़ी ना लगाएं। खाली ड्रम या पीपे का उपयोग भाड़े के रूप में या भाड़ा बनाने के सहारे के रूप में नहीं करना चाहिए। अधिक गांठ वाले तख्ते इस्तेमाल ना करें, वो कमजोर हो सकते हैं। सीढ़ियां। जब सामान्य कार्यस्थल इक्विपमेंट की बात आती है, तो सीढ़ी से सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये साधारण सी चीज लगती है, इसलिए अधिकतर लोग इसमें निहित खतरों को नजरअंदाज करते हैं। फिर भी गिरने के कारण 15% दुर्घटनाएं और मौत कार्यस्थल पर होती है। इनमें बहुत गिराव सीढ़ी से होते हैं, जिसे कुछ अद्भुत बातों पर अमल कर टाला जा सकता है। काम में लाने से पहले सुनिश्चित करें कि लैडर या स्टेप लैडर सुरक्षित हालत में है, जिसके लिए निम्नलिखित जांच करें। न दिखने वाली खराबियों की जांच करें, जैसे मुड़ना, झुकना, फट जाना, पार्ट्स का ढीला हो जाना, काफी घिस जाना आदि। प्रत्येक दिन काम से पहले ही इनकी जांच कर लें। सीढ़ी के पैर जमीन के पूरी तरह संसर्ग में रहें और जमीन खुदाई वाली मिट्टी, ढीली मिट्टी और तेल ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। सीढ़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की सतह से 1 मीटर ऊपर निकली हो और सीढ़ी के दोनों किनारे अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। सीढ़ी पर हमेशा 3 स्थल पर स्पर्श बनाए रखें। उतरते समय आपका चेहरा सीढ़ी की तरफ हो। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय
सामान न ले जाएं। प्रत्येक 4 फुट की सीधी ऊंचाई पर सीढ़ी के आधार पर 1 फुट बाहर निकला होना चाहिए। जमीन से उसका एंगल 65 से 75 डिग्री होना चाहिए। काम चलाओ सीढ़ियां काम में न लाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सांचे का काम कंक्रीटिंग यानी फॉर्म वर्क कंक्रीटिंग। मित्रों, कंक्रीट के काम से पहले सांचे का काम किया जाता है, तो पहले जानते हैं सांचे के काम से जुड़ी हुई कुछ सुरक्षा जानकारियां। सांचे का काम, सांचे के काम वाले कार्यस्थल पर अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। टूटे या खराब पुराने सामान को कार्यस्थल से बाहर कर दें। अवांछित लकड़ी के तख्ते, शटर, प्लेटफॉर्म आदि को कार्यस्थल से बाहर कर दें और निर्धारित जगह पर तख्ता लगाकर रखें। पटरों को खोलने के बाद उसमें लगी कीलों को निकाल दें। लकड़ी के शटरिंग प्लैंक को सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, एक के ऊपर एक। हस्त उपकरण जैसे हथौड़े, छेनी आदि ठीक होने चाहिए और उसकी चोट वाली सतह मुड़ी या फटी ना हो। ऊंचाई वाले सांचे तक पहुंचने के लिए सही रास्ता लगाएं। शटरिंग के सपोर्ट को बगल से ब्रेसिंग लगाएं और कंक्रीटिंग करने से पहले इसकी जांच कर लें। लकड़ी की शटरिंग लगा देने के बाद वहां चिंगारी या आग पैदा करने वाला काम न करें। कंक्रीटिंग, सीमेंट कंक्रीट का काम रोजमर्रा की बात है जिसमें हजारों कामगार और स्वयं कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को कंक्रीट मिलाने, ढोने और ढलाई के दौरान गंभीर चोटें लगी हैं। अतः वो कोई भी जो कंक्रीट हैंडलिंग का काम कर रहा है, चाहे वो निर्माण स्थल या निवास, रास्ते या सड़क के किनारों पर काम करते समय उपयोगी सामान्य सुरक्षा की सीख लेनी और व्यवहार में लानी चाहिए, जो रोकथाम सुरक्षा और कॉमन सेंस सावधानी से संबंधित है। इन नियमों का उपयोग आपके सिर, पीठ, चमड़ी और आंखों की रक्षा के लिए है। सभी खुले स्थान को ढक दें और गिरने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेशन करें। दोस्तों, सांचे और कंक्रीट के काम के वक्त अच्छी गृह व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आप जो पीछे बैठे हैं, आप बताएं। सर, एक तो टूटे या खराब पुराने सामानों को कार्यस्थल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा, पटरों को खोलने के बाद उससे कीलों को निकाल देना चाहिए जिससे उन कीलों से किसी को चोट ना लगे। और अपने बचाव के लिए कंक्रीटिंग के दौरान रबर के दस्ताने, गॉगल्स और गमबूट पहनने चाहिए। इसके बाद आता है परिवहन ट्रक, जो कि कंक्रीट की मिश्रण को बैच प्लांट से कंक्रीट डालने के स्थान तक लेकर जाता है। कंक्रीट ट्रक के साथ जुड़ी हुई सुरक्षा जानकारियां इस प्रकार हैं। परिवहन मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर को सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत ड्राइवर ही चलाएंगे। गाड़ी को पीछे करने के दौरान रिवर्स हॉर्न और लाल बत्ती का इस्तेमाल करें। सहायक या इशारा करने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे आने के समय ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे और वो ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ड्राइवर उसे देख सके। जब कंट्रोल का शूट खुली अवस्था में हो, तब ट्रांजिट मिक्सर को आगे न बढ़ाएं। किसी भी निर्माण स्थल पर ट्रांजिट मिक्सर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो। अगर खोदे गए गड्ढे या खाई के समीप काम करना हो तो ट्रांजिट मिक्सर को किनारे से काफी दूरी पर खड़ा करें और स्टॉप ब्लॉक्स लगाएं। तो मित्रों, अब जब हमारी कंक्रीट निर्माण स्थल तक पहुंच चुकी है, तो उसको कंक्रीट डालने वाली जगह पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट पंप का। कंक्रीट पंप के इस्तेमाल से दूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंक्रीट पंप, कभी भी पंप और ट्रांजिट मिक्सर के बीच में खड़े ना हो और दूसरे व्यक्ति को इस खतरे के क्षेत्र में आने से मना करें। हॉपर ग्रेट को कभी भी ना हटाएं या ऊपर उठाएं। ये दो तरह से रक्षा करता है। ये मशीन के घूमने वाले पार्ट से हम लोगों को बचाता है। ये मशीन में बाहरी वस्तुओं को नहीं आने देता। जब मशीन चालू होने जा रही हो या चालू हो, तब हॉपर ग्रेट पर कभी खड़े ना रहें। कभी भी कोई अंग मशीन के अंदर न ले जाएं, खासकर कंक्रीट वाल्व और हॉपर एरिया पर अगर मशीन चल रही हो या चलाने के लिए तैयार हो। जब तक आप योग्य और कुशल पंप ऑपरेटर ना हो और जब तक पंप ऑपरेटर ने हस्ताक्षर ना कर दिया हो, तब तक पंप को ऑपरेट ना करें। अगर कंक्रीट पंप में हवा चली जाए तो हॉपर पर या होस के छोर पर खड़े ना हो।
क्योंकि यहाँ खतरा है जब तक कि हवा निकाल न दी जाए। इमरजेंसी स्टॉप बटन को अपने समीप रखें, जिससे पंप में हवा चली जाने पर आप जल्दी से स्टॉप बटन दबा सकें। कंक्रीट पंप से कंक्रीट को स्थान पर दो तरह से भेजा जाता है। अगर कंक्रीट डालने का स्थान नीचे ही है तो कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाइपलाइन द्वारा कंक्रीट को ले जाना। कमर को मोड़ते हुए कंक्रीट पाइपलाइन को न उठाएं। इससे बाद में कमर और पीठ का दर्द हो सकता है। हाथ द्वारा पाइप को उठाने का सही तरीका यह है कि आप अपने टहनों को मुड़ते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए उठाएं। हाई प्रेशर पर चलते हुए पाइपलाइन पर कभी भी न खड़े हों, न बैठें, न कभी हाथ से लगाकर बदन के समीप लाएं, क्योंकि पाइप फटकर आपको बुरी तरह घायल कर सकता है। दबाव से भरे पाइपलाइन को कभी ना खोलें जब तक ऑपरेटर पंप को उल्टा न चला ले और वो कहे कि अब पाइपलाइन को खोलना सुरक्षित है। अगर पाइपलाइन को कंप्रेस्ड एयर से साफ किया जा रहा हो तो डिस्चार्ज एरिया के नजदीक खड़े ना हो। हमेशा सफाई के लिए बॉल कैचर का इस्तेमाल करें। कंक्रीट पाइपलाइन को भाड़े के टावर से सपोर्ट ना दें। कंक्रीट के पाइपलाइन को मजबूत सपोर्ट दें। जहां मोड़ आए वहां अलग से सपोर्ट दें, जिससे कि पाइप में हलचल ना हो। रुकावट को साफ करने के लिए कभी भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल न करें। कंक्रीट पाइप को सुरक्षित करने के लिए बाइंडिंग वायर्स का इस्तेमाल न करें। उचित क्लैंप वेजेस का प्रयोग करें। अगर कंक्रीट करने का स्थान ऊंचाई पर है तो बूम प्लेसर की मदद से कंक्रीट को ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। इसके इस्तेमाल के समय जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है, बूम प्लेसर द्वारा कंक्रीट की पंपिंग, संचार के लिए वॉकी टॉकी या साफ और संक्षिप्त में दिए गए हस्त सिग्नल का प्रयोग करें। बूम पंप के इर्द गिर्द साफ स्थान और वातावरण हो, जैसे कि वहां ऊपर लगे बिजली के केबल, पेड़ की शाखाएं आदि ना हो जहां बूम का परिचालन होगा। कभी भी होज और स्ट्रक्चर के बीच में ना आए, क्योंकि वहां बूम से कुचले जाने की आशंका है। होज पर पकड़ ना आने दें। पंप में इतना पावर होता है कि वो होज को सीधा कर देगा, तोड़ देगा और उससे लोगों को चोट लग सकती है। उस जगह पर रुकावट हो जाने से वहां और होज में अधिकतम कंक्रीट दबाव पैदा होता है। होज पाइप को चलाने के समय पीछे की ओर न चलें। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर कंक्रीट पंप के हॉपर में लगे ग्रेट को हटाकर उसे चलाएं तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं? सर, हॉपर पे लगा ग्रेट हमारी दो तरह से रक्षा करता है। एक तो वो हमारे अंगों को मशीन के घूमते हुए हिस्सों से बचाता है, दूसरा वो मशीन में तेजी से जाते हुए कंक्रीट को बाहर आने से रोकता है। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिजली से सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बिजली की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना की रोकथाम के लिए बचने के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि जहां पर भी बिजली की ऊर्जा मौजूद है वहां बिजली के झटके के कारण चोट या मृत्यु की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बिजली और व्यक्ति के बीच सीधे संपर्क को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा अपनाई जाए। तो बात करते हैं बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग से जुड़े हुए कुछ सुरक्षा के नियमों की। कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई, हाथुक वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी ही लगाएं, जिसमें वर्षा के बचाव के लिए हुड कवर लगे हों। डीबी या सब डीबी की मजबूत अर्थिंग करें। 30 मिली एम्पियर की सेटिंग के साथ ईएलसीबी या आरसीसीबी के द्वारा ही पावर सप्लाई करें। बिजली के मेन पैनल पर रबर की चटाई और अग्निशामक की व्यवस्था करें। बिजली के शेड में कोई विश्राम न करे। क्षति से बचने और पैर में अटकने से बचने के लिए बिजली LTHT के केबल को जमीन के अंदर या ऊंचाई पर ले जाएं। पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान आने न दें। वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल न करें। जोड़ी गई बिजली के केबल के इस्तेमाल से बचें या ध्यान रखें कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। कभी भी तार को खींचते हुए पावर से डिस्कनेक्ट ना करें। प्लग को सॉकेट से खींचते हुए डिस्कनेक्ट करें।
पावर देने के लिए 3 पिन वाला औद्योगिक प्लग टॉप लगाएं। खुले तारों से बोर्ड से सप्लाई न लें। केबल या उपकरण पर कोई काम करने से पहले पावर सप्लाई को साफ वॉट पर अलग कर दें। बिजली के सारे उपकरण एवं मशीनें जैसे वेल्डिंग मशीन, मोटर, विंच, पंप आदि की दोहरी अर्थिंग करें। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करने से पहले पावर सप्लाई को बंद करके लॉकआउट टैगआउट का प्रयोग करें। घूमने वाले पार्ट पर गार्ड होने चाहिए। मशीन के नजदीक ढीले कपड़े ना पहने। आग बुझाने से पहले उस मशीन की पावर सप्लाई बंद करने के बाद आग को बुझाएं। सभी पोर्टेबल हस्त उपकरण में 3 पिन और 3 कोर केबल वाला कनेक्शन लगाएं। बारिश के दौरान खुले स्थान में पोर्टेबल पावर उपकरण न चलाएं। हाथ के लैंप में धातु वाले गार्ड और 24 वोल्ट की सप्लाई हो। पावर की ऑन पोजीशन में कभी भी हैलोजन लैंप को स्थानांतर न करें। किसी भी स्थिति में ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल समर्थ और अधिकृत इलेक्ट्रिशियन ही बिजली की सप्लाई देंगे। अलग पहचान के लिए वे लाल रंग का हेलमेट पहने। दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे बिजली के तारों के उपयोग से जुड़ी कोई भी 2 महत्वपूर्ण बातें बता सकता है? सर, एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ी गई बिजली की केबल का इस्तेमाल से बचना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। दूसरा, वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान ना आने दें। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर, सामान और मशीन यानी प्लांट एंड मशीनरी। मशीनें कार्यस्थल का एक मजबूत अंग होती हैं, और मशीनों के साथ काम करते वक्त हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे उपकरणों को काम में लाने से पहले उन्हें तीसरे पक्ष के अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य योग्यता का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। सामान उठाने वाले सारे उपकरण पर पहचान नंबर, कार्यक्षमता मार्क होनी चाहिए, जिससे उसे संबंधित टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ मिलाकर जांच की जा सके। सामान उठाने वाले उपकरणों, जिसमें ठेकेदार के उपकरण भी शामिल हैं, उनके साथ संबंधित बनाने वाली कंपनी का टेस्ट सर्टिफिकेट और उसके ऑपरेशन मैनुअल उपलब्ध रहने चाहिए। भार उठाने वाले सारे उपकरण सर्टिफिकेट की निर्धारित सीमा के बाद इस्तेमाल न किए जाएं। महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा के साइन बोर्ड, पोस्टर आदि दर्शाए जाएं, जैसे लटकते सामान के नीचे न रहें आदि। सभी सुरक्षा गार्ड लगे रहें। सुरक्षा के सभी उपकरण और बचाव साधन को हटाना, बदलना, खोलना, निरस्त करना या छेड़छाड़ करना मना है। सभी गाड़ियों में पीछे मुड़ने पर बजने वाला हॉर्न लगा रहना आवश्यक है, और गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहे। गाड़ी के ड्राइवर सही लाइसेंस धारक हों, और गाड़ी चलाने के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। हाँ तो भाइयों, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, अगर सामान उठाने वाले पर परीक्षण टैग न लगा हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपके हाथ में ऐसे उपकरण आए जिस पर प्रशिक्षण टैग न हो, तो आपको इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को देनी चाहिए और उस उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैब्रिकेशन यार्ड में सुरक्षा यानी फैब्रिकेशन यार्ड सेफ्टी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैब्रिकेशन यार्ड में काम करने के दौरान याद रखने वाली कुछ सुरक्षा से जुड़ी हुई बातों की। यार्ड में सभी लोग सुरक्षा जूते और हेलमेट पहने। यार्ड में अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। गृह व्यवस्था मतलब प्रत्येक चीज के लिए जगह, और प्रत्येक चीज अपनी जगह पे हर समय होनी चाहिए। गृह व्यवस्था महत्वपूर्ण और योग्य होनी चाहिए, क्योंकि वो सामान सामग्री और औजार ढूंढने के लिए समय कम करता है। जब सारी चीजें सुव्यवस्थित क्रमबद्ध होती हैं, तो जगह बच जाती है। आने जाने का रास्ता और कार्यक्षेत्रों में उन आवश्यक निरर्थक सामग्री दूर करने से क्षतियां या चोटें टाली जा सकती हैं। जॉब साइट में हर एक कार्यस्थल पर सुरक्षित रास्ता प्रदान करना चाहिए।
साइट में अलग से स्क्रैप यार्ड के लिए स्थान नियुक्त करना चाहिए। साइट की सड़कें अर्थात रास्ते क्रमबद्ध सामग्री द्वारा साफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से वाहनों की अवन जवन सुरक्षित और स्वतंत्र हो सके। भारी सामग्री के रखने के दौरान फिसलना, गिरना और घूमने जैसे खतरे का ध्यान रखना चाहिए। प्लेटफॉर्म और वॉकवेज को ऑयल, ग्रीस या स्लिपरी स्लिपेज की जगहों से मुक्त रखना चाहिए। वेल्डिंग केबल्स, पावर केबल्स को सही रास्ते से ले जाया जाए, जिससे कि वे वाहन द्वारा न कुचल दिए जाए। गैंट्री रेल्स के दोनों तरफ 1 मीटर की कम से कम दूरी तक कोई सामान न रखा जाए। डीबी, पैनल्स, स्विचेस आदि तक पहुंचने के रास्ते साफ रखें। अग्निशामक ऐसी जगह पर रखे जाएं, जहां से वे सुविधापूर्वक इस्तेमाल किए जा सकें। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग सुरक्षा के बारे में। जब नया ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाए, वो कम से कम 1 मिनट तक चलाया जाना चाहिए। वो संतुलित और टूटना नहीं चाहिए। ऑपरेटर को अपनी सुरक्षा के लिए एक साइड पर खड़े रहना चाहिए। शायद तकनीकी खराबी की वजह से व्हील बाहर भी निकल सकता है। अत्यधिक या ज्यादा कंपन आम तौर पर ये संकेत करता है कि व्हील गोलाकार विभाग से बाहर निकल गया है। इस तरह के या अन्य कोई भी प्रकार का व्हील जो संतुलित ना हो, उसका उपयोग ना करें। व्हील के ऊपर अत्यधिक जोर लगाकर काम नहीं करना चाहिए। व्हील के ऊपर घर्षण किस प्रकार का है, उससे ही व्हील की काटने की क्षमता कितनी है वो निर्धारित होता है। हमेशा अन्य कार्यकर्ताओं से ग्राइंडिंग वर्क दूर करना चाहिए। दीवार की तरफ ग्राइंडिंग वर्क करना सबसे सुरक्षित है। कभी कोई पार्ट या टूल व्हील के खिलाफ जाम नहीं होना चाहिए। आपको शुरुआत छोटे से दबाव और धीरे धीरे फीड करके करना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा दबाव भी लगाना पड़ता है। ये एक गलत मान्यता है कि जितना ग्राइंडर उछलता है उतना ही कार्य को शार्प करता है। ये व्हील विस्फोटक करने का कारण बन सकता है। व्हील का अत्यधिक आरपीएम या व्यास ज्यादा होने के कारण व्हील टूट सकता है। कभी भी टूटे हुए व्हील का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। सुरक्षा कवच का उपयोग करें। तो क्या आप कभी ग्राइंडिंग व्हील को उसकी निर्धारित सीमा के ऊपर चलाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे, आप सब भी इस बात को याद रखें। दोस्तों, फैब्रिकेशन यार्ड के धरातल पर साफ साफ मार्किंग कर दें, जैसे वेल्डिंग बूथ, गैंट्री क्रेन, सामग्री स्टोर, सिलेंडर उतारने, चढ़ाने और रखने की जगह, शॉट ब्लास्टिंग और रंगाई आदि। सिलेंडर को स्टैंड पर रखकर या दीवार से जुड़ी हुई सतह से चेन या स्ट्रैप द्वारा बांधकर स्थायित्व प्रदान करें। गैस सिलेंडर के वाल्व को कैप और कवर लगाएं। सिलेंडर को ले जाते समय लुढ़काएं या फेंके नहीं। गैस सिलेंडर को लाने ले जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। कटिंग टॉर्च और सिलेंडर के दोनों तरफ फ्लैशबैक अरेस्टर लगाएं। वेल्डिंग केबल और पावर केबल को एक दूसरे पर ना लपेटने दें। ऐसा करने से गर्म वेल्डिंग के स्पर्श से पावर का इंसुलेशन कमजोर हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। रेडियोग्राफी टेस्ट करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि संबंधित विभाग से कार्य अनुमति, रेडियो एक्टिव साइन बोर्ड के साथ घेराबंदी करें। उस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। रोशनी की पूरी व्यवस्था करें। रात में कार्य के दौरान परिवर्तित साइन लगाएं। सर। हाँ बोलिए। रेडियोग्राफिक टेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? रेडियोग्राफी टेस्ट के लिए रात का समय या छुट्टी का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि तब काम भी होता है और लोग भी कम होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामान की ढुलाई यानी मटेरियल हैंडलिंग। उद्योग के लिए प्रभावी तरीके से सामान को ढोना और रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। कच्चे माल के अलावा ये प्रक्रियाएं पुर्जे और छोटे संयुक्त उत्पाद को कार्यस्थल पर पहुंचाने और ले जाने में मदद करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि जहां जरूरत हो वहां सामान पहुंचे। दुर्भाग्यवश अनुचित तरीके से सामान को ढोने और रखने से काफी महंगी दुर्घटनाएं होती हैं। सामान को हाथों से या क्रेन की सहायता से हटाते वक्त जिन चीजों पर ध्यान देना है वो चीजें हैं, आने जाने के रास्ते को साफ रखें। सबसे पहले उस एरिया को
बैरिकेशन करके घेराव कर दें। केवल इंस्पेक्शन हुई क्रेन का इस्तेमाल करें और उसका सर्टिफिकेट हमेशा कैबिन में लगा होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए। रिगर, संकेतक, दूर से दिखने वाले चमकीले जैकेट पहनें। क्रेन के आने जाने के लिए जमीन की मिट्टी को गढ़ीला बनाएं। क्रेन बूम के अर्धव्यास की गणना करने में उठाए जाने वाले सामान का वजन और सामान रखने के स्थान की ऊंचाई का ख्याल रखना आवश्यक है। बारिश में क्रेन का बूम कम ऊंचाई पर रख के चलें। सामान पर आने वाले कई ऊर्जा के स्रोत को पहचानें। उठाने वाले सामान के वजन की जानकारी लें और वजन के अनुसार उपयुक्त स्लिंग का चुनाव करें। असुरक्षित तरीके से स्टील वायर रोप को खींचने और निकालने से गलत ऐठन पड़ जाती है। अगर ऐसी ऐठन पड़ जाए तो रोप को बदल दें। जब भी दो या अधिक रोप को हुक पर लगाना हो तो शैंकल का इस्तेमाल करें। सभी खुली सामग्री को सामान पर से हटा दें। सामान को उठाने से पहले देख लें कि सामान पर स्लिंग अच्छी तरह से लगी है। सामान को झटके और धक्के से बचाएं। कोई भी लोड को उठाने से पहले उसको पहले ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाइए। बाद में लोड की स्टेबिलिटी और स्लिंग के बीच का कोण चेक करें। सब कुछ सही होने के बाद ही ज्यादा उठाएं। उठाने से पहले सुनिश्चित करें कि सामान मुक्त है और सभी रस्सी भार ले रही हैं। लोड से अलग खड़े हों। झूलते हुए सामान और क्रेन के आगे वाले टायर से दूर रहें। सामान को नियंत्रित करने के लिए टैग लाइन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी जो बातें मैंने आपको बताई, ये तो वो बातें हैं जिनका पालन हमें करना है। आइए अब उन बातों की जानकारी लेते हैं जो हमें कभी नहीं करनी है। कभी भी वायर रोप को हुक के चारों ओर न लपेटे। कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर से सामान को न ले जाएं। कभी भी झूलते हुए सामान के नीचे काम न करें। किसी भी लटकते हुए या झूलते हुए भार के नीचे अपना हाथ न रखें। जब क्रेन या होइस्ट को देखने वाला न हो तब कभी भी सामान को झूलते हुए न छोड़ दें। सामान के नीचे से जब स्लिंग को बाहर निकाला जा रहा है तो अपने आप को स्लिंग से दूर रखें। क्रेन का इस्तेमाल कार्य को आसान बनाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर क्रेन के इस्तेमाल के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। प्रसारण और विवरण, टावर निर्माण एवं तार टांगना। इस कार्य के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है टावर का निर्माण और दूसरा है टावर पर तार लगाना। इन दोनों ही कामों में अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं टावर निर्माण की। टावर निर्माण केवल अनुभवी लोगों की टीम को काम करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि टावर निर्माण के दौरान ऊंचाई पर काम कर रहे कामगार बीमारियों से मुक्त हों। निर्माण के सभी समय अनुभवी एवं सक्षम सुपरवाइजर तैनात रहे। कामगारों के वहन के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल न करें। निर्माण स्थल पर सभी कामगार एवं सुपरवाइजर सेफ्टी हेलमेट पहने और चिन स्ट्रैप भी लगाएं। टावर पर कार्यरत कामगार दोहरी रस्सी वाले पूरे बदन वाले सेफ्टी बेल्ट तथा मचान पर टांगने वाले हुक का इस्तेमाल करें। सुपरवाइजर हमेशा सुनिश्चित करें कि चढ़ते और उतरते समय कामगार एवं रस्सी अवश्य ढांचे से बंधी रखें और टावर पर स्थानांतर के दौरान भी ऐसा ही करें। टावर से चढ़ते उतरते समय स्टेप बोल्ट से उतरना चाहिए, वो भी फॉल अरेस्टर मैकेनिज्म के साथ। टूल्स, बोल्ट आदि सामान कामगार के बदन से लटकते बैग में रखकर ही ले जाएं। उन्हें हाथ में लेकर न चढ़ें या उतरें। डेरिक तथा अन्य सामान ढोने वाले उपकरण जैसे वायर रोप, पीपी रोप, डी शैकल, पुली आदि काम में लाने से पहले प्रतिदिन जांच की जाए। निर्माण कार्य में सिर्फ टेस्ट किए हुए टूल्स जिनका सही सर्टिफिकेट हासिल हो वही इस्तेमाल किए जाएं। टावर का निर्माण सिलसिलेवार ढंग से हो। ऊपर के भाग का कार्य तब तक शुरू न किया जाए
जब तक कि नीचे वाली सतह के सारे सदस्य और ब्रेसिंग पूरी तरह न लग गए हों और सभी बांधने वाले नट बोल्ट अच्छी तरह न कस दिए गए हों। डेरिक में 3 गाई रोप बंधे हों जिसमें कोई जोड़ न रहे। निर्माण के दौरान लगाए गए गाई का लंगर मजबूत खंबे से लगा हो, जैसे स्टील की खंती से एक लंगर सिर्फ एक ही गाई को सपोर्ट दे। क्षितिज एवं गाई रोप के बीच का कोना अधिकतम 45 डिग्री हो। प्रधान पांव के सदस्य लगे हुए स्टेप बोल्ट के द्वारा उठाए जाएं और पूरी तरह कस दिए जाएं। रस्सी या स्लिंग को टावर से बांधने में नर्म बोरे आदि की पैकिंग लगाएं। लटकते लोड के नीचे किसी कामगार को न खड़े रहने दें। दोस्तों, अब आप ध्यान से इस तस्वीर को देखें और बताएं कि इस कामगार ने जो सुरक्षा बेल्ट पहन रखी है, क्या वो ठीक है? हाँ, आप बताएं। सर, इस कामगार ने एक रस्सी वाली सेफ्टी बेल्ट पहना है जो कि गलत है। इसको दोहरी रस्सी वाली पूरे बदन की सेफ्टी हार्नेस पहनना चाहिए। शाबाश, मगर क्यों? टावर पर जब हमें अपनी जगह बदलनी हो तो हम पहली रस्सी को खोले बिना दूसरी रस्सी को पहले नई जगह बांध देते हैं, फिर पहली रस्सी को खोलकर जगह बदल देते हैं। इससे हम पक्का कर लेते हैं कि हम किसी भी वक्त बिना बंधे नहीं रहते। बहुत अच्छे, आप सब भी इस बात को याद रखें। तार टांगना। दोस्तों, टावर के बन जाने के बाद का मुख्य काम होता है तार लगाना। इस कार्य को करते वक्त कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। उनमें से कुछ मुख्य बातें जो याद रखना जरूरी है वो इस प्रकार हैं। गाई का कोना जमीन से 45 डिग्री से ज्यादा न हो। पीछे का स्टे मजबूत स्टील रोप का हो। निर्माणाधीन लाइन के समांतर अगर कोई सक्रिय पावर लाइन जाती है तो उससे कंडक्टर पर इंडक्शन असर हो सकता है, जिसे निष्क्रिय करने के लिए सेक्शन के दोनों छोरों पर तथा बीच में भी कुछ स्थानों पर अर्थिंग लगाएं। तनाव देते समय फिटर लोग टावर बॉडी के अंदर रहें तथा उन्हें क्रॉस आर्म पर खड़ा न रहने दिया जाए। तनाव देने वाले और तार खींचने वाले तथा सुपरवाइजर के बीच संवाद के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करें। खतरनाक मौसम में काम बंद रखें। अलग अलग प्राधिकार जैसे हाईवे, रेलवे, वन विभाग आदि से आवश्यक मंजूरी लेना चाहिए। अगर किसी वर्तमान सक्रिय पावर लाइन को पार करना हो तो पावर लाइन को निष्क्रिय कराएं और कार्य अनुमति वर्क परमिट अवश्य लें। बिजली के इंडक्शन असर की जांच के लिए मल्टी टेस्टर का भी उपयोग करें। नींव के गड्ढे जो हस्त औजार और मनुष्य के द्वारा की गई हो और जिनकी चौड़ाई गहराई 2 मीटर बाय 2 मीटर हो। कंक्रीटिंग खत्म होने के बाद नींव के गड्ढे को बिना देखभाल ना छोड़ें। इसके चारों ओर घेराबंदी करें या इसे चित्र में दिखाए गए तरीके से ढके। मस्तूल को सावधानी पूर्वक BFR क्रेन का इस्तेमाल करते हुए खड़ा करें। खड़ा करने के बाद तुरंत इसका जमीन से बंधन लगाएं, जिससे ये सुरक्षित हो जाए कि मस्तूल मजबूती से तेज हवा चलने पर भी स्थिर रहे। किसी सुयोग्य एवं अधिकृत व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही तार के खींचने का काम किया जाए। खींचे हुए तार में बांध कर पूरे बदन वाले सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल करें। ये सुनिश्चित करें कि रेल की पटरी पर इस्तेमाल की गई सीढ़ी ट्रॉली पर चक्का जाम करने वाले स्टॉपर लगे हों। ये भी सुनिश्चित करें कि कम से कम 3 व्यक्ति सीढ़ी के आधार को पकड़े रखें ताकि वो खिसक न जाए। सुरक्षा बेल्ट के लैनयार्ड को लटके तार से बांधें। तो अब इस जानकारी के बाद आप ये तो अवश्य ही बता पाएंगे कि अगर हमें काम के दौरान किसी सक्रिय पावर लाइन को पार करना है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर, ऐसा करने से पहले हमें वर्क परमिट अवश्य लेना चाहिए। वर्क परमिट लेने की प्रक्रिया इस बात को पक्का कर देती है कि कार्य से पहले पावर लाइन निष्क्रिय कर दी जाएगी और मल्टी टेस्टर से बंद लाइन के इंडक्शन असर की भी जांच हो जाएगी, तभी वर्क परमिट मिलेगा। बिल्कुल सही। याद रखें कि वर्क परमिट हमारी सुरक्षा के लिए है, इसको वजन ना समझें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे। दोस्तों, निर्माण कार्य से जुड़े सभी कार्य की सुरक्षा जानकारी हमने ली। आइए अब हम रेल विभाग से संबंधित कार्य की सुरक्षा जानकारी लेते हैं। रेलवे विभाग से सभी प्रकार के काम को करने के लिए कार्य अनुमति प्राप्त करें।
रेलगाड़ी के ड्राइवर को सावधान करने के लिए कार्यक्षेत्र के दोनों तरफ लाल झंडा लगाएं। कार्यक्षेत्र पर एक संकेतक खड़ा करें जिसके पास लाल और हरा झंडा तथा वॉकी टॉकी हो। जब सक्रिय मार्ग पर काम हो रहा हो तो कामगारों को रेल की पटरी को पार नहीं करना है। ये बात प्रत्येक दिन टूल बॉक्स की बातचीत में बताई जानी चाहिए। ब्रैकेट को लगाने के लिए जब मस्तूल पर चढ़ना हो तो सीढ़ी का इस्तेमाल करें। मस्तूल पर जब काम करना हो तो अपने सेफ्टी बेल्ट की रस्सी को मस्तूल में लगाएं। रेल की पटरी के किनारे पर निर्माण कार्य के सामान को उतारते वक्त एक सुपरवाइजर अवश्य रहें। मस्तूल पर तार लगाने के काम के लिए जब रेल कार डेक का इस्तेमाल हो रहा हो तो ब्लॉक परमिट अवश्य लें। हाँ तो भाइयों, जैसा मैंने पहले कहा कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं, और अगर हम सब लोग साथ साथ मिलकर सुरक्षित तरीके से कार्य करें तो हम दुर्घटनाओं पर काबू पा सकते हैं। कार्यस्थल पर लोगों की सुरक्षा और कार्य खुशहाली की कामना करते हैं। अतः आज सीखे हुए सुरक्षा के सभी प्रावधानों का पालन करें और असुरक्षित कार्य प्रणाली को विदा करें। धन्यवाद।